जेनिथ ऑर्डर युवाओं के लिए एक युवाओं द्वारा ही शुरू की गई नागपुर स्थित एक संगठन है, जो साल 2022 में 3 16 वर्षीय युवकों लुव्या खुशालानी, चैतन्य ध्रुव और देव कयावल द्वारा स्थापित किया गया। यह संगठन मॉडल संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों, चर्चा मंचों, ओपन माइक, जागरूकता शिविरों और शिक्षा का आयोजन करके तब से युवा विकास के प्रमुख मुद्दों की दिशा में काम कर रहा है। पहल परियोजनाएं ऑनलाइन और भौतिक दोनों स्वरूप में शुरू की गई है। एक अंतराल के बाद जेनिथ ऑर्डर अपनी नवीनतम पहल दी हाउस ऑफ जेनिथ मॉक संसद के साथ 24 जून और 25 जून शनिवार और रविवार को रेजेंटा सेंट्रल होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागपुर के युवा दिमाग को परिमाणी राष्ट्रीय मुद्दों पर परिचित कराना है और उन्हें विधायी निर्णय लेने का स्वाद देना है। यह संसदीय समितियों के सिमुलेशन में एजेंडा लेकर किया जाएगा, अर्थात गृह मामले, विदेश मामले, आईटी और संचार और शिक्षा। इस आयोजन से युवा वाद विवाद कर्ताओं और नए विचारों के फलने फूलने के लिए अनुकूल माहौल बनाने और युवाओं को अपनी क्षमता का एहसास कराने और राजनीति, बहस, नीति निर्माण आदि में शामिल होने के लिए एक कदम के रूप में काम करने की उम्मीद है। जेनिथ ऑर्डर हमारे एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए नागपुर में अन्य युवा संगठनों के साथ भी सहयोग करेगा। हमारे साथ सनशाइन फाउंडेशन भी है, जो नागपुर स्थित एक प्रमुख एनजीओ है, जो हमारे सामुदायिक भागीदार के रूप में 600 से अधिक वंचित बच्चों के विकास की दिशा में काम कर रहा है और इस आयोजन से प्राप्त आय पैसे उन्हें दान करेगा। हम पहले ही इस आयोजन को लेकर काफी उत्साह महसूस कर रहे हैं और कई स्कूलों कॉलेजों के उत्सुक भागीदारों की उम्मीद कर रहे हैं। आज मैं आप सबके सामने NSCY बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ लॉ यूनिट की तरफ से एज ए पदाधिकारी प्रस्तुत हूँ। छात्रों के लिए नियोजित होने वाले सारे आयोजनों में लोकतांत्रिकता होना जरूरी है और इस इवेंट के द्वारा वो लोकतांत्रिकता सारे छात्रों में आना जरूरी है। एक लॉ कॉलेज के छात्र होते हुए ये इवेंट हमारे सारे छात्र बंधुओं के लिए काफी अनिवार्य है। इसी कारणवश NSCY BSL यूनिट ने अपना समर्थन जेनिथ ऑर्डर ऑफ द हाउस ऑफ जेनिथ को पूर्ण तरह देने का निर्णय लिया है। हमारा देश एक प्रजातंत्र है, उस प्रजातंत्र के अंदर छात्रों का उस प्रजातांत्रिक सिस्टम में आना जरूरी होता है और ये सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए ऐसे आयोजनों का नियोजित होना अनिवार्य होता है। मेरा नाम चैतन्य कवि ध्रुव है। हम लोग द हाउस ऑफ जेनिथ मॉक पार्लियामेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं 24-25 जून को अंडर द यूथ ऑर्गेनाइजेशन द जेनिथ ऑर्डर। तो इसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि बच्चे आएंगे तो काफ़ी के मन में भावना रहती है कि सिस्टम रिग्ड है, तो हम उनको सुधारने का कि वो प्रैक्टिकली क्या करेंगे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं फॉर द यूथ बाय द यूथ। तो वो आएंगे, उनको पार्टीज़ में डिवाइड किया जाएगा, पार्टी का नाम, उनकी आइडियोलॉजी, वो सब खुद डिसाइड करनी है। पार्टी में डिवाइड करने के बाद उनको अलग अलग कैबिनेट्स और कमिटीज़ में डिवाइड किया जाएगा, आईटी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो ये सब में डिवीजन करने के बाद वहाँ पे अलग डिबेट चलेगा, जहाँ पे वो अपनी जो उन्होंने पार्टी खुद फॉर्म करी थी उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट करेंगे। हर पार्टी में से वो खुद ही एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का चयन करेंगे और वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट पूरे कैंपेन्स में और मैनिफेस्टो को खुद एक्सप्लेन करेगा और पार्टी पूरे कैंपेन रैलीज, चुनाव रैलीज सब खुद निकाल सकती है। एंड में जब कैबिनेट डिस्कशन खत्म हो चुका रहेगा और सबको, सारे जो लोग होंगे कॉन्फ्रेंस में उनको मैनिफेस्टो समझ आ चुका होगा पार्टीज का, तो एंड होगा एक प्राइम मिनिस्टरल डिबेट से। प्राइम मिनिस्टरल डिबेट में सारे प्रेस मेंबर्स जो हमारे वहाँ के प्रेस मेंबर्स भी रहेंगे वो उनसे सवाल पूछेंगे, हम सवाल पूछेंगे, एक दूसरे से मैनिफेस्टो स्पीचेस देंगे और इसके बाद फाइनली इलेक्शन होगा और जो इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जीतेगा वो अपना कैबिनेट और सर्विंग पार्टी फॉर्म करेगा। ये रेजेंटा कन्वेंशन सेंटर में नंदनवन 24-25 जून। BC News के लिए राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।